वेलकम टू इंडियाज बेस्ट डांसर। बेस्ट के पहले टेस्ट में आज भी हमारे जजेस डांसर्स के फिल्मी तड़के वाली परफॉर्मेंसेस को स्कोर करेंगे और इन्हीं स्कोर्स के बेसिस पर तीसरे हफ्ते होगा इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 3 का पहला एलिमिनेशन। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सभी जजेस डांसर्स कोरियोग्राफर्स के लिए। और आइए फिर बिना देर किए बुलाते हैं आज के पहले डांसर को। बेस्ट के पहले टेस्ट में प्रेजेंटिंग डांस का छप्पन भोग सतना मध्य प्रदेश से शिवांशु सोनी और इनके साथ आ रही है कोरियोग्राफर श्वेता वारियर। अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। तेरे दिल में मेरी सांसों को पनाह मिल जाए, तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए। जितने पास है खुशबू सांस के, जितने पास हो तो के सरगम जैसे साथ है करवट याद के, जैसे साथ बाहों के संगम। जितने पास पास ख्वाबों के नजर, उतने पास तू रहना हम सफर। प्यार की कोई मंजिल नहीं होती, हर प्रेम कहानी मुकम्मल नहीं होती। कुछ कहानियां रह जाती है अधूरी, पर प्यार अमर रहता है जैसे सलीम अनारकली। सलीम अनारकली हमारे संतनत की बहू कभी नहीं बन सकती। सिपाहियों, अनारकली को दीवार में चुनवा दिया जाए। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा। श्वेता शिवांशु, जब भी आप परफॉर्म करते हो तो एक माहौल आप बांध लेते हैं, वहां तक मैं बहुत ही खुश हूँ आपके साथ, बिकॉज ये आपकी एक यूनिक क्वालिटी है। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो। जो सेक्शन आपने आगे रहकर और श्वेता दीवार के पीछे रहकर, वो सेक्शन सबसे स्ट्रांग लगा। जो सूफी कथक चक्कर लिए आपने, उस पर तो मैं बहुत, मतलब दिल से ताली बजाऊंगा। इट इज सो ब्यूटीफुल। अब आती है बारी
कहां पर आपको काम करना पड़ेगा। मुझे टुकड़ों में डांस नहीं चाहिए, एक सेक्शन चलेगा, बट आफ्टर अ वाइल आई वांट टू सी कि आपका डांस फ्लो करे, जहां पे आप सिर्फ सीमित ना रहे 1, 2, 3, 4 तक। आई वांट टू सी द एंड्स, आई वांट टू सी कनेक्शन। वो आप मुझे नेक्स्ट वीक करके दिखाइए। ओके, ऑल द बेस्ट। 7 टेस्ट का पहला टेस्ट है। अब यहाँ पे अगर मैं चाहूँगी तो भी हमें थोड़ा कड़क होना पड़ेगा। सो आपसे उम्मीदें और एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा है। थैंक यू मैम। लॉट्स ऑफ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट एज अ डुओ, एज अ पार्टनरशिप, क्योंकि सोलो शिवांशु आप बहुत अच्छा वैसे भी करते हैं। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। All right, 30 में से आपको मिल रहे हैं 22 marks. You know, ये तो हमारे comments की बात हुई, लेकिन India's Best Dancer के season 3 में हमें classical dance को represent करने के लिए सिर्फ एक नहीं बल्कि दो दो लोग हैं, उनके साथ जो choreographers भी जुड़े हैं वो भी classical dance की शैली से ही आते हैं। जैसे यहाँ पर खड़े हैं और हमारे पास यहाँ बैठी है अनु choreographer और उसकी जो कंटेस्टेंट है हंसवी। मैं चाहूंगा कि अगर इन चारों को यहां पर स्टेज पर लेकर आए और एक परफॉर्मेंस बनता है, बिकॉज वी वांट टू सी कि ये क्या एमल्गमेशन हो सकता है। क्या बात है, दो ताले हो जाएगा इस। दामिनी चिदम खस चल मतवारी, चल मतवारी, चल मतवारी। ढाई शाम रोक लई, रोक लई, रोक लई, ढाई शाम रोक लई, और चक मुख चूम लई, मुख चूम लई, मुख चूम लई, सर से मोरी चुनरी गई, 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 सर से मोरी चुनरी गई, सरक सरक सरक, सरक सरक सरक, सरक सरक सरक। Outstanding. पता नहीं, कभी कभी कुछ चीजें जब आप ऐसे ही एक्सप्लोर करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और गाना दिया जाता है, कभी कभी कमाल कर जाते हैं। बिल्कुल, और आज वैसा ही हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। थैंक यू, फैंटास्टिक। जोरदार ताला हो जाए। एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़की पे वो मरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है।
और मैं सिर्फ यही कह पाता था। होले होले से हवा लगती है, होले होले से दवा लगती है, होले होले से दुआ लगती है ना। हाय होले होले चंदा बढ़ता है, होले होले घूंघट उठता है, होले होले से नशा चढ़ता है ना। तू सब्र कर मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार, चल फिक्र नु गोली मार यार, है दिन जिंदड़ी दे चार। होले होले हो जाएगा प्यार चलिया, होले होले हो जाएगा प्यार, होले होले हो जाएगा प्यार चलिया, होले होले हो जाएगा प्यार। शर्मो शर्मी में बंद है, खुद से खुद की कैसी ये जंग है, कैसी ये पहेली, दिल मर जाना, इश्क में जल्दी बड़ा जुर्माना। तू सब्र तो कर मेरे यार, मेरा सांस तो ले दिलदार, चल फिक्र नु गोली मार यार, है दिन जिंदड़ी दे चार। होले होले से दुआ लगती है ना। गीता मैम, सोनाली मैम, हम दोनों की एक रिक्वेस्ट है, क्या आप प्लीज पीछे मुड़ सकते हैं? अगर वो हमें प्यार करती है तो वो पलट के देखेगी, पलट पलट पलट। वेल डन बॉयज, वेल डन, वाओ, वेल डन। What beautiful moments of choreography. वो चंदा, वो घूंघट। होले होले चंदा बढ़ता है, होले होले घूंघट उठता है, वो पहेली, कैसी ये पहेली, मुआ दिल मर जाना। So nicely these moments were done and I remember them क्योंकि lyrically इतने खूबसूरती से आपने उसको पिरोया है, it's so beautiful to watch. You were like twins dancing today. You were so good. Well done. And thank you for surprising me. हर हफ्ते मुझे इसी तरह surprise करते रहना। Thank you ma'am. Love you. You good? Every time you perform, आप ना own करते हो गाने को। कोरियोग्राफी इसकी है, मगर लगता है कि आपने उसको कोरियोग्राफ किया, बिकॉज उतना आप उसको पी गए हो, एंड दैट्स अ साइन ऑफ अ गुड परफॉर्मर। इसका मतलब कि रिहर्सल, जो आपका अनुशासन है, जो डिसिप्लिन है, वो सही जा रहा है। जो परफॉर्मेंस क्वालिटी चाहिए वो आप में है। दिस एक्ट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ परफॉर्मेंस क्वालिटी एंड यू आर चुम्मेश्वरी, तो ये बनता है और ये बनता है। आज का बेस्ट का पहला टेस्ट और उसमें है फिल्मी तड़का, ऑडिशंस, मेगा ऑडिशंस, ग्रैंड प्रीमियर, उसके बाद में आज का जो ये परफॉर्मेंस था उसमें मुझे ग्रोथ नजर आई है। धन्यवाद। और उससे बड़ी बात किसी आर्टिस्ट के लिए हो नहीं सकती, दैट यू आर ग्रोइंग एंड दैट्स द बेस्ट थिंग दैट आई कैन से फॉर यू। इट वॉज अ वेरी गुड एक्ट, वेल डन बॉयज। थैंक यू सो मच।
आपका टोटल होता है 28। दो शाहरुख यहाँ पर है और एक अनिकेत भी शाहरुख बने थे, है ना? तो जब हम शाहरुख की बात करते हैं तो फिर बैंड में शाहरुख की रोमांटिक लाइंस, उनका जो रोमांस है वो हम कैसे भूल सकते हैं। तो क्यों ना ये तीन शाहरुख खान के साथ एक टास्क किया जाए जहां पर ये आपको इम्प्रेस करे डायलॉग्स के थ्रू। पहले मैं चाहूंगा कि गीता मैम एंड सोनाली जी आप प्लीज मंच पर आ जाए, तो मैं आपको ये फूल दूंगा। ये सारे आपको इन्हें जज करना है कि इन्होंने अच्छा किया, और अगर अच्छा किया तो फिर आप इन्हें फूल दे सकते हैं। जाइए विपुल। एक मर्द अपना सर सिर्फ तीन औरतों के सामने झुकाता है, एक अपनी माँ, एक दुर्गा माँ और एक गीता माँ। ओहो, एक और बार बेटा, एक और बार, जो तुम बकरी की तरह मिमने आए हो। कौन कंबख्त यहाँ? कौन व्हाट? कौन कंबख्त यहाँ जीतने को नाचता है? हम तो इसलिए नाचते हैं ताकि हम वहां बैठ सके और आपकी स्माइल को देख सके। तुझे खुद को सुनाई दिया, तूने क्या बोला है? खूबसूरती को बर्दाश्त कर सके। अरे इसे बर्दाश्त कर रहे हम लोग इस डायलॉग को, और तुझे एक सेकंड, मैंने शाहरुख खान कहा था, देवानंद नहीं, ये वो उसका भी क्रॉस है ये देखो। अच्छा लगा, सुनाई दिया क्या भाई साहब? मैं मुझे नहीं लगता कि ये इनसे कुछ हो पाएगा भैया। हम लोग ये लेके जाए क्या? हो नहीं गया? नहीं, आप कैसे भूल सकते हैं कि हमारे पास एक और शाहरुख है। हाँ। और जो लेट ले बताएंगे कि रोमांस कैसे होता है। भैया पठान बने हो ना? सॉरी इट्स डॉक्टर टी। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरे होठों की बेपरवाह गुस्ताखियां, मेरे लंबे लंबे कमेंट्स पे लेना तेरा उबासियां, तेरा मेरी हर गॉसिप को बना देना सुर्खियां। नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है आई बी। I have to say, इस डायलॉग के लिए मेरी तरफ। Oh, thank you. हमारा चलता रहेगा बेबी। एक बार जोरदार ताले हो जाए टेरिन सर के लिए। थैंक यू सो मच, प्लीज टेक योर सीट। तीन बकरियों को मेरी तरफ से। जो पठान मेरी जान, महफिल ही लुट जाए, दे दे जो जुबान मेरी जान, उस पे मर मिट जाए। बॉलीवुड का मजा इतना आया दैट मुझे भी ऐसे डायलॉग बोलने का मन कर रहा है। जली को आग कहते हैं, क्या बात है, बुझी को राह, और जिसकी पूरी दुनिया फैन हो जाए उसे शिवम कहते हैं। थैंक यू।
Well done. Lots of love to you. मजा आ गया. ये मेरे लिए तूफानी से भी ऊपर परफॉर्मेंस. Thank you so much. शिवम, आपने ये प्रूव कर दिया कि आज के बाद कोई ये नहीं कह सकता कि बॉलीवुड डांसर्स के नॉट कम्पीट इन अ डांस रियलिटी शो. राइट. 13-14 साल के पूरे जर्नी में एज अ जज ऐसा बॉलीवुड डांसर मैंने नहीं देखा. बिल्कुल. थैंक यू सो मच. बिल्कुल. दिस इज अ ब्लॉकबस्टर जोड़ी. थैंक यू सो मच. I have respect for you and I want both of you to come here. क्या बात है. You all deserve to be on top of this platform to get this amazing coronation of the king and queen of Bollywood. Guys, well done. Respect. Thank you. Well done. Thank you. मेरे प्यारे से शिवम, तुम्हारी पार्वती कब मिलेगी तुम्हें शिवम? प्रॉब्लम वही है कि ये मोगैम्बो तो हर लड़की से खुश होता है. वाह. बट मेरे लाइफ की मोगैम्बो लड़की है जो कभी मुझसे खुश नहीं होती. तो भी मैं क्या करूँ मैम? देखो जय जो है ना, ही फील्स फॉर पीपल लाइक दिस. तो ये ढूंढ के लाया होगा 100%. नहीं 100%. देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मुझे इतने सारे DMs आए हैं. वाह. कि वो शिवम से मिलना चाहते. तो चलिए फिर मंच पर वो पांच लड़कियां प्लीज आ जाएं. जोरदार ताला हो जाए. सुंदर सुशील, प्लीज वेलकम ऑल द 5 ब्यूटीफुल गर्ल्स. बहुत सुंदर है शिवम. Beauty. तो चलिए फिर. बराबर है, हाथ पोछा उसने. कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छे हाथ है. आपका नाम नहीं पता मुझे. मुझे आपका नाम नहीं पता बट आपके हाथ बहुत अच्छे. सिर्फ थोड़े से ना रफ है. तो मेरे पास और 4 ऑप्शन है. बट शिवम देख ले, उसके हाथ रफ है क्योंकि वो बहुत घर में काम करती होगी. बट सर मालिश के लिए सॉफ्ट हैंड चाहिए. ठीक है. ओके फाइन. नो प्रॉब्लम. चलिए नेक्स्ट आ जाइए. ये तो बहुत ही सुंदर और सुशील भी है. शिवम इसके लंबे सीधे बाल हैं, मैं पहले ही बता रही हूँ. बट मैम हाथ पे भी बाले. अरे वो पागल, तूने छुआ ना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए. बट शी इज ब्यूटीफुल हेयर शिवम. खूबसूरत है मैम. हाँ आई थिंक आप स्टैंड बाय पे ना, आप इधर साइड में आ जाओ. अच्छा मजा है. ओके. अच्छा है. इनके हाथ तो सॉफ्ट भी है. आई थिंक मैं इमेजिन भी कर रहा हूँ आपको. बाल छोटे हैं लेकिन शिवा मतलब कंधे तक है. वो बढ़ जाएंगे, घर की ही फैक्ट्री है. ये अच्छा है. ये ज्यादा अच्छा है. प्लीज जो पहले वाले वो बुरा मत मानना प्लीज. नहीं कोई बुरा नहीं मान रहा, मेरे को पता है. मिला नहीं, अभी मिल रहा है तो ज्यादा खुशी हो रही है. अच्छा वेरी गुड. भाई इधर तो सब फुल टैलेंटेड लोग है भाई, लेकिन अपुन इन लोग के बीच में यहाँ क्यों आए ले? वो क्या है ना सर्किट, ये लोग को टीवी पे देख के अपुन को भी डांस करने का बहुत चढ़ गया है. लेकिन भाई ये डांस वांस तो अपने बस की बात नहीं है भाई, अपुन खाली पीली इन लोग के सामने आपकी इज्जत का भाजी बाला क्यों करे? डोंट वरी सर, अपना पापो है ना अपने साथ, वो देख. हाँ भाई. लेकिन बापू क्या बोल रहे ले भाई?
बापू बोल रहा है कि अपुन का डांस एकदम सुपरहिट गाने पे फुल हीरो माफिक होना मांगता है। चल शुरू करते हैं, रेडी? हाँ भाई, रेडी रेडी रेडी। ए सर्किट, वो देख बापू क्या बोल रहा है। भाई आज ना अपुन के कान में थोड़ा लोचा हो गए ले। बोलो ना क्या बोल रहे ले बापू। बापू बोल रहा है कि इट्स टाइम फॉर मुन्ना भाई स्पेशल। ओके भाई, बापू ने अगर बोल दिया तो करना ही पड़ेगा। ए बजा रे। बोले तो 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 बीबी बोले तो। हाँ भाई, बीबी बोले तो बी बोल। एस बोले तो बोले तो बोले तो बोले तो एस बोले तो सुष्मिता। इस सर्किट वी आर जस्ट फ्रेंड्स। सॉरी सॉरी भाई। अरे हाँ, एस बोले तो अपना स्वैग। गीता माँ के हिसाब से हमेशा वो कहती है कि नूरपुर हीरो है हमारा। हीरो तो है, लेकिन असली हीरो बनने के लिए मेरे हिसाब से यू नो हीरो को आइकॉनिक पोजेस आना जरूरी है। जैसे शाहरुख खान यू नो करते हैं, वैसे इनको भी यू नो बॉलीवुड का आइकॉनिक पोजेस अगर करवाए हाँ। तो कैसा रहेगा, मतलब कुछ सीख जाएगा लड़का ना। व्हाई नॉट जैक। हीरो तो यहाँ पर है तो हीरोइन की भी जरूरत रहेगी ना। तो एनी गेसेस, मैं किसका नाम लेने वाला हूँ हीरोइन का? नॉट एट ऑल, वी कैन नॉट गेस। प्लीज आ जाइए। सुष्मिता आइए आइए आइए। रुपेश क्यों ना तुम मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाओ। अरे तो रोल, कैमरा, एक्शन। सीखा बेटा, अब सेम चीज नूरपुर मेरे साथ करेगा। ऑलराइट, एक्शन। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। क्या बात है यार जय, सुपर। ये होता है परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट।
बात है, जोरदार ताले हो जाए अंजलि और नारायण पात्रा के लिए। व्हाट अ परफॉर्मेंस। आई थॉट के ऐसा कैसे कि हम ये हफ्ता मना रहे हैं, बॉलीवुड की इतनी बातें हो रही हैं और आर के फिल्म्स या राज कपूर साहब या नरगिस जी की हमने बात नहीं करी। बट टू सी के अंदाज वो था, मतलब थॉट वो था और गाना कुछ और था। आई लव दैट। थैंक यू मैम। अंजलि आपका वो जो रुक के वो जो एक्सप्रेस करना, वो जो इमोट करना एंड देन टू गो बैक टू द डांसिंग इन फुल स्पीड। ये आपकी एक पर्सनालिटी क्वर्क है। आई लव द वे यू एंडेड ऑल्सो। आई मीन इतना आइकॉनिक मोमेंट है वो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। अंजलि जब आप एक्सप्रेस करती हैं ना तो यू कुड बी अ ब्लैक एंड वाइट हीरोइन। मतलब वो एक ओल्ड वर्ल्ड चार्म है आपके एक्सप्रेशंस में। हाँ। और आपका डांस एकदम मॉडर्न है और ये जो कॉम्बिनेशन है ना ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आज मुझे वो कॉम्बिनेशन फिर से नज़र आया, ग्रैंड प्रीमियर में थोड़ा सा छुप गया था। आई एम सो हैप्पी टू सी यू बैक। थैंक यू सो मच मैम। ये जो फुटवर्क था जो आपका, और इसको मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता। बस यही एक रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट टाइम इवन व्हेन यू आर डूइंग योर ओन स्टाइल ब्रिंग दैट फेमिनिन ग्रेस इनटू यू, बिकॉज़ यू आर वन टॉम बॉय, बट कीप दैट असाइड। ओके आर्यन, सुपर कोरियोग्राफी, वेरी डिफिकल्ट, वेरी इंट्रिकेट गाइस, बहुत अच्छी तरह से निभाया, वेल डन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। 27। You know, मैं जानती हूँ जय, आज अंजलि ने इतना क्यों अच्छा परफॉर्म किया है। क्यों? क्योंकि कोई आया है। अंजलि की मम्मी, आपका नाम क्या है? भारती ममगाय। और आपका? मेरा नाम आना ममगाय। आहाना। आहाना। अंजलि, आहाना और आपका? आदिति। 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 भारती जी, हाँ जी, कैसा लगा अंजलि का परफॉर्मेंस? बहुत अच्छा लगा। आज दिन तो मैंने कभी देखा नहीं था इतना लाइव पे, आज बहुत अच्छा लगा। मतलब आपने पहली बार उसको? पहली बार देखा। ओह माय गॉड, सो स्वीट। आज दिन तक वो हमारे लिए करती थी, आज खुद के लिए कर रही है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। 13 साल की उम्र से वो घर की जिम्मेदारी संभालती है क्योंकि उसके पापा घर के खर्चे नहीं देते थे, तो सुबह स्कूल जाती थी और शाम को बच्चों को डांस क्लास देती थी। 2 साल के बाद उसके पापा ने हमको घर से निकाल दिया था। हाँ, फिर उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। उसने पूरा टाइम तब जॉब किया, अपनी पढ़ाई तो कर नहीं पाई पर अपनी बहनों को पूरा जितनी भी खर्चे पानी जो भी होता पूरा करती थी, घर का भी पूरा करती थी। मैं तो कर नहीं पाई क्योंकि मेरी ऑपरेशन से हुई थी बेटी, मैं इतना सामर्थ्य नहीं था कि मैं कुछ जॉब हो कर पाऊँ। तो बेटी भी कहती थी मेरे को कि मम्मी तू कुछ नहीं करेगी, जो करूँगी मैं करूँगी, जितना कमाऊँगी जो भी लाऊँगी तो घर को देख, बहनों को देख और उस पर ही चला ले खर्चा, और तू चिंता मत कर, तू नहीं करेगी जॉब। इसीलिए कहती हूँ अंजलि को शेर बच्चा है। थैंक यू मैम। वो हमेशा हंसती रहती है। हंसती रहती है ये। कोई भी परेशानी आती है तो वो कभी दुखी नहीं होती है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी पर वो हमेशा खुश रहती है। वैसे तो मैं मम्मी को, मम्मी का मैं अपनी बड़ी बहन ज़्यादा समझती हूँ, तो मतलब मम्मी को ऐसा फील नहीं होने देती कि मम्मी है तो शायद जिम्मेदारी उठाएंगी, तो ऐसा नहीं, मम्मी मेरे लिए मेरी बड़ी बहन की तरह है। आपके हाथ में कुछ नजर आ रहा है शेर बच्चे के लिए, कुछ लाए हो? नजर कब से वहीं पर है। मेरी अंजलि को बेसन के लड्डू बहुत पसंद है तो मैं घर से बना के लाई हूँ।
हाय हाय क्या बात है। मेरे पास मेरी दीदी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। क्या बात है यार, सो स्वीट आदित्य। मम्मी के बातों से मुझे एक ही चीज कहने का मन कर रहा है कि इंडियाज बेस्ट डांसर तो हमें बहुत टाइम बाद पता चलेगा कि कौन होगा, लेकिन इंडियाज बेस्ट डॉटर तो शायद आप ही के पास है। अरे क्या बात है। तो ताले हो जाएगा इस जोरदार ताले। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने एक आइकॉनिक फिल्म का गाना चूज किया है, हम दिल दे चुके सनम फिल्म का नाम है, आपने ये फिल्म देखी है? नहीं देखी। एक्चुअली मैं ये अंडरग्राउंड करते करते मेरा पूरा जॉनर ही सिर्फ इंटरनेशनल गाना हो गया, तो मैं देखा ही नहीं अभी तक। ये प्रॉब्लम सिर्फ यू नो आई थिंक बूगी की नहीं है, आई थिंक यू नो ये जितने भी यंग जनरेशन है वो ज्यादातर मैंने देखा है कि अपने खुद की हिंदी फिल्म्स देखना बंद कर चुके हैं, ज्यादा बॉलीवुड फिल्म्स नहीं। उनको पता ही नहीं, आधे लोगों को ये नहीं पता कि शोले किस चिड़िया का नाम है। आर यू सीरियस? यस, अ लॉट ऑफ दिस जनरेशन डज नॉट नो शोले। उनको ये पता नहीं कि कौन से एक्टर्स थे उसमें। मैं कहूँ होटो पे ऐसी बात सबने सुना है, किसी को ये नहीं पता होगा कि उसमें कौन एक्टर्स थे, पूछ के देख लीजिए। शिश्मिता बता दीजिए कौन है एक्टर एक्ट्रेस। रेखा। No. बहुत अच्छा, बहुत वेल डन शिश्मिता, बहुत अच्छी बात है। और कोई है? गेस करो। हेलन जी। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। और कुछ? कोई और है? विजयंती माला। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। किसने बोला ये तुझे? पंकज ने। पीछे से किसने आवाज दी? इन लोगों ने सर्च किया इंटरनेट पे। वेरी गुड, वेल डन। एक काम करते हैं यार, ये प्रॉब्लम है तो एक काम करते ना, यहाँ पर मैं ना सारे मेल कंटेस्टेंट्स को बुलाता हूँ। वेरी नाइस। और एक ट्रैक बजेगा, ठीक है? उनको उस गाने का आइकॉनिक स्टेप जो है वो उनको यू नो मैच करना है। आपको लगता नहीं कर सकता हमारे लड़के? नहीं कर सकते? हाँ, चैलेंज करिए। तो आ जाओ सारे लड़के, आ जाओ वापस इस मंच पर। आप सारे लड़के देखो आपको कैसे चौंका देते हैं। सबसे पहले परफॉर्म करेंगे विपुल। विपुल, कम ऑन विपुल। समर्पण। चलो देख म्यूजिक। 18 बरस लहू मुलक गया, लहू मुलक गया, होया था नस नस में अब ये जग गया। लहू मुलक गया, लव से लव ये रग से रग गया। ए लहू मुलक गया। We'll be right back.
से लब ये लब लब से लहू मुलग गया लहू मुलग गया लहू मुलग गया समर्पण, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये समर्पण इतना क्यूटी। हाँ, मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। सॉरी मैम, सॉरी। बट आई हैव टू से जो किया फैंटास्टिक किया। मेरी तरफ से क्या बात है टेन मार्क्स। परमदीप, एज अ कोरियोग्राफर जो आपने इस लड़के से निकाला है आज, या तो ये बहुत ही कमाल का एक्टर है या तो एक कोरियोग्राफर्स एक्टर है। जो आपने कराया ये इसने इतना बखूबी किया, इट बिकेम बिलीवेबल फॉर मी कि ये समर्पण नहीं है जिसको हम जानते हैं। समर्पण, वेरी वेल डन एज अ परफॉर्मर, आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म टुडे। परमदीप, एज अ कोरियोग्राफर, टू अ कोरियोग्राफर, यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट टुडे वी हैव ऑन इंडियाज बेस्ट डांसर्स। आई वांट टू डू दिस फॉर यू। क्या बात है, ये 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 ये। वेल डन। क्या बात है। समर्पण ब्रॉडवे शोज में बहुत दिखा जाता है, बट उसको जिस तरीके से आपने निभाया, एक फ्लेयर के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी हाई लेवल था, काफ़ी इंट्रिकेट था, और इसके लिए मैं आपको ये क्या बात है, 10 on 10 from Karan sir। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.